नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात और आपके साथ मैं हूं दीपेश जैन। मध्य प्रदेश में विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और हर दिन हंगामेदार गर्मागर्म बहस हो रही है। बहस मुबाहिसों का दौर चल रहा है। विपक्ष सत्ता पक्ष पर आक्रामक है तो सत्ता पक्ष भी बचाव करते हुए विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। लेकिन इस बीच एक संकल्प पारित हुआ, संकल्प ऐसा कि तमाम माननीय विधायकों को अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा हर साल 30 जून तक देना होगा। अभी संकल्प तो लाया गया, विधायकों ने इसमें सहमति भी दे दी, लेकिन इससे सवाल कई उठ खड़े हुए हैं क्योंकि यह केवल संकल्प भर है, इसे कानून की शक्ल में नहीं ढाला गया। और इसी से सवाल उठते हैं कि आखिर केवल संकल्प पारित होने से क्या वाकई विधायक अपनी संपत्ति का सही पूरा ब्यौरा पूरी ईमानदारी से विधानसभा को देंगे? अगर नहीं तो फिर ऐसे संकल्प की जरूरत भी क्या थी? सरकार ने इसे कानूनी शक्ल देने में अपनी कुछ मजबूरियां जरूर गिनाई हैं, लेकिन क्या हम भविष्य में उम्मीद रखें कि ये जो आज संकल्प लिया गया है ये कल को कानून की शक्ल भी लेगा, या विधायक इससे भी असहमत है, नाराज हैं? कई विधायकों ने तो यह भी कहा कि साहब इसमें अधिकारियों को भी लाया जाए, अकेले विधायक क्यों अपनी संपत्ति बताए। तो सवाल कई हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज बहुत खास मेहमान स्टूडियो में रहेंगे, तो चर्चा शुरू करें उसके पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। हर साल विधायक देंगे संपत्ति का ब्यौरा, गलत जानकारी देने पर भी नहीं होगा खतरा। केवल संकल्प से क्या मकसद हो पाएगा पूरा? क्या बिना कानून बनाए संकल्प नहीं अधूरा? मध्य प्रदेश के विधायक अब हर वर्ष अपनी संपत्ति का ब्यौरा सार्वजनिक करेंगे। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने सदन में यह संकल्प पेश किया और सर्वसम्मति से इसे पारित भी कर दिया गया। अब विधायकों को 30 जून तक विधानसभा के प्रमुख सचिव को अपनी आय का चिट्ठा पेश करना होगा। इसके बाद विधानसभा सचिवालय इनकी संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर सार्वजनिक करेगा। हालांकि विपक्षी दलों का सुझाव था कि संपत्ति के ब्यौरे को सार्वजनिक करने का संकल्प लाने की बजाय इसे विधेयक के रूप में पेश किया जाना था, साथ ही इसमें सजा का प्रावधान भी होना था। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि यदि वास्तव में सरकार की इच्छा शक्ति है तो इसे विधेयक के तौर पर पेश करना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि सेवा के लिए आते हैं, न कि कमाई कर अपनी गरीबी दूर करने के लिए। इसलिए प्रॉपर्टी पेश करने के लिए सख्त कानून बनना चाहिए। इसका उल्लंघन करने वालों को आजीवन जेल की सजा का भी प्रावधान होना चाहिए। वहीं भाजपा विधायक विश्वास सारंग ने कहा कि यदि कोई गलत जानकारी पेश कर दे तो क्या होगा, इसलिए सजा का प्रावधान जरूरी है। इसके बाद अजय बिश्नोई ने एक कदम आगे जाकर ये भी जोड़ा कि इसमें सिर्फ विधायकों को ही क्यों बांधा जाए, अधिकारियों के लिए भी ये नियम बने। मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि हम जनता के सेवक हैं, अपनी गरीबी दूर करने के लिए विधायक नहीं बने हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे विधायक हैं जो पहले टूटी साइकिल पर घूमते थे, आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। वहीं कानून न बनाने के लिए डॉक्टर गोविंद सिंह ने बताया सरकार की मंशा थी कि इसके लिए कानून बनाया जाए। इसके लिए सभी राज्यों से जानकारी जुटाई, लेकिन कहीं कानून नहीं मिला। सभी राज्यों में संकल्प ही लिया गया। दंड का प्रावधान नहीं होने के कारण हमें भी संकल्प ही पेश करना पड़ा। सभी सदस्यों का सुझाव है तो मुख्यमंत्री से चर्चा कर इसके लिए कानून बनाने पर भी विचार करेंगे। इस पर स्पीकर एन.पी. प्रजापति ने विधायकों के सुझाव पर उन्हें अलग ही राय दी और कहा कि आप लोग सोच लें, क्योंकि आप आपको बांधने जा रहे हैं। इसमें अन्य लोगों के मामले में बहस क्यों करते हो? लोकतंत्र के अन्य स्तंभों को इस बंधन में बांधने की बजाय इसे उनके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। आइए आपको बताते हैं कि कैसा है संकल्प। संकल्प के मुताबिक विधायकों को स्वयं एवं आश्रित प्रत्येक सदस्य की प्रॉपर्टी का विवरण चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित करवाकर विधानसभा के प्रमुख सचिव को देना होगा। प्रॉपर्टी का ब्यौरा चुनाव आयोग को प्रस्तुत प्रोफार्मा में ही देना होगा। अन्य राज्यों में ऐसा ही प्रावधान उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, तमिलनाडु राज्य में भी इसी प्रकार का संकल्प है। कर्नाटक राज्य में लोकायुक्त को प्रॉपर्टी का ब्यौरा पेश करते हैं, इसे समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया जाता है। कुल मिलाकर सरकार की मंशा अच्छी है, लेकिन सवाल यही कि क्या विधायक ईमानदारी से इसका पालन करेंगे, क्योंकि पिछली शिवराज सरकार के समय भी मंत्रियों ने इस तरह का संकल्प लिया था और हर साल अपनी संपत्ति की घोषणा करने का दावा किया था, लेकिन हकीकत ये थी कि ज़्यादातर मंत्रियों ने अपनी संपत्ति सार्वजनिक नहीं की। ऐसे में ये संकल्प भी केवल दिखावे के दांत साबित होंगे। जब तक इसे कानूनी जामा नहीं पहनाया जाएगा तब तक इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, क्योंकि अगर विधायक ने गलत जानकारी दी तो भी उसे कोई खतरा नहीं होगा। उम्मीद यही है कि बदलाव के वादे पर आई कमलनाथ सरकार इसे संकल्प से कानून तक ले जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। जी हाँ, तो ये ना भी कहें कि ये कैसा संकल्प, तो इतना तो जरूर हम कहेंगे कि ये अधूरा संकल्प है, क्योंकि संकल्प की बेड़ियों में कोई माननीय बंधे नहीं हैं। वो कैसे अपना ब्यौरा देंगे, सही देंगे नहीं देंगे, इस पर कई सवाल हैं। और पहली बात कि क्या ऐसा संकल्प आना चाहिए था, क्या इसमें अन्य लोगों को भी शामिल किया जाना चाहिए, इसी पर चर्चा करेंगे। एक बहुत खास पैनल हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सबसे पहले आपका परिचय हमारे मेहमानों से करवाते हैं। हमारे साथ आज बहुत खास मेहमान निर्दलीय विधायक सुरेंद्र शेरा भैया हैं। बहुत स्वागत है सुरेंद्र शेरा भैया। लेकिन मैं क्या कहूँ, निर्दलीय विधायक बहुत है जरूर है, लेकिन ये कांग्रेस सरकार की जान है और मिनिस्टर इन रेटिंग सुरेंद्र भैया जी जी चलिए हमारे साथ उमेश तिवारी जी, बीजेपी प्रवक्ता। उमेश जी आपका स्वागत है। हमारे साथ एक्स एमएलए और कांग्रेस के वर्तमान सदस्य हैं पारस सकलेचा जी। पारस जी आपका बहुत स्वागत है। और अपनी टिप्पणी के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज पाठक जी। सर आपका स्वागत करते हुए पहला सीधा सवाल सुरेंद्र भैया आपसे, क्या इस संकल्प के आप साथ हैं? बिल्कुल ज़रूरी है अपने आप को लोगों के बीच में, जब हम लोग सार्वजनिक जीवन में काम करते हैं तो अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने में कोई तकलीफ नहीं, देना ही चाहिए। और उससे आपका आचरण और आपका विचार लोगों के बीच में सही सलामत रहता है, इसके फेवर में ही है। और सभी लोगों को करना चाहिए, ना कि सिर्फ प्रतिनिधि लोगों को, दूसरे भी सरकार से जुड़े लोगों को। जो भी सरकार से जुड़ा है वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, और जो भी जुड़ा हो सरकार से, मध्य प्रदेश सरकार से हो या नगर निगम में हो या जिला पंचायत में, सबको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना ही चाहिए। उसमें आपको सुकून की जिंदगी जीने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, लेकिन शेरा भैया ये बताइए ना कि अगर कोई ईमानदारी से नहीं देगा विवरण, गलत जानकारी दे दी, अच्छा ये भी बताइए, थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि क्या आप बाध्य हो गए हैं अब इसके बाद संपत्ति का ब्यौरा देने के लिए, या आपकी मर्जी या विवेक पर निर्भर करेगा कि आपको ब्यौरा देना है? नहीं, जब संकल्प पारित हो चुका है और हमारे आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय का इसमें इच्छा है तो बिल्कुल देना चाहिए। उनकी इच्छा के अनुरूप हमने काम करना चाहिए। देना तो चाहिए, देना ही पड़ेगा, देना ही चाहिए। नहीं, दोनों में बहुत बड़ी बात है। हाँ हाँ। एक है जब मुख्यमंत्री महोदय ने जब इस संकल्प को माना है और उनकी इच्छा है कि सब दे, तो बिल्कुल देना चाहिए। इससे एक अच्छा व्यवहार और एक अच्छा वातावरण पैदा होगा। अच्छा, अब सवाल यही, इसके बाद अगर मान लीजिए कोई गलत जानकारी दे देता है, कोई सजा का प्रावधान नहीं, कोई दंड का प्रावधान नहीं है, तो जो गोपाल भार्गव जी मांग करेंगे साहब इसमें तो आजीवन कारावास जैसी सजा तक होनी चाहिए। माननीय दीपेश जी, मैं बोलना चाहता हूँ कि सब जनप्रतिनिधि जब बनता है तो बहुत जवाबदारी से बनता है, और उनकी जवाबदारी जनता के प्रति तो है, लेकिन खुद के प्रति भी बहुत है, अपने परिवार के प्रति भी बहुत है। तो मुझे नहीं लगता कि गलत जानकारी देगा। बाई मिस्टेक कोई गलती हो अलग बात है, लेकिन सभी लोग अपने ईमानदारी से अपनी बात रखेंगे, अपना संपत्ति का ब्यौरा देंगे, और उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। हम लोग तो आम हम लोग तो आम भाषा में अपनी संपत्ति का लोगों से डिस्कस करते हैं कि आज हमने ये खरीदा, आज हमने वो बिजनेस चालू किया, ये मेरा मकान बन रहा है, ये मेरा ये शॉप चालू किया है। तो उसमें कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है संपत्ति का ब्यौरा देने में। नहीं, घबराने वाली इसलिए बात है ना भैया कि अगर मान लीजिए किसी की संपत्ति विधायक बनते समय 1 करोड़ थी और वो विधायक बनने के बाद 10 करोड़ तक पहुंच गई, तो पूछा तो जाएगा कि भैया कहाँ से आए 9 करोड़? नहीं, ये तो जरूरी है, तो पूछना चाहिए। फिर इसलिए तो संपत्ति का ब्यौरा मांग रहा है कि जो आदमी इलीगल तरीके से, अनवांटेड तरीके से जब पैसा कमाएगा तो उसको डर रहेगा ना, फिर तो इससे संकल्प लेना बहुत जरूरी है और उसको कानून की शक्ल देना नहीं देना ये बात की बात है। लेकिन पहले अपने मन को साफ करके अपनी संपत्ति का ब्यौरा इंसान देगा तो बहुत सुकून पाएगा लाइफ में। ठीक है पारस जी, अब इसे मैं वो कहते हैं ना हाथी के दांत खाने की और दिखाने की और, तो इसे दिखावे का संकल्प क्यों ना मानूं या जनता क्यों ना माने, उसे भरोसा तो होगा ही नहीं कि भैया। थोड़ा सा मुझे एक तो इसलिए भी आपत्ति है जी जी आपके इस हाथी के दांत वाली बात पे कि आप जनप्रतिनिधियों को सरकारी नौकर की तराजू पे रख के तोल रहे हैं। जनप्रति नहीं, मैंने नहीं कहा था कि आप संकल्प पेश कीजिए, वो तो आप ही लोगों ने पेश किया, आप ही की सर्वसम्मति से पेश। मेरा ये कह रहा है कि जनप्रतिनिधि हर 5 साल में एक अदालत से फैसला लेता है और वो फैसला जनता करती है, वो फैसला सर्वमान्य उसके कैरियर के लिए, उस फैसले को कभी बदला भी नहीं जा सकता। तो जब ये संकल्प बनाया गया है तो ये जनप्रतिनिधियों के लिए बनाया गया है, नौकरशाहों के लिए नहीं। और जब जनप्रतिनिधियों के लिए संकल्प बनाया गया है तो इसके अंदर स्पष्ट मंशा ये है कि जनता जो उसको वोट देगी वो ये तय करेगी कि अपने विधायक ने संकल्प लेने के बाद 5 साल संपत्ति का ब्यौरा दिया या नहीं। एक दूसरा, जो पार्टी इस संकल्प के प्रति गंभीर होगी उसको टिकट देने के पहले पुनः विधायक को यह शर्त लगाना चाहिए कि उसने 5 साल संपत्ति का ब्यौरा दिया होगा, उसी को ही पार्टी अगले समय में टिकट देगी। अच्छा। अगर ये दोनों बात होगी तो निश्चय ही जनता के बीच में। और तीसरी बात, शासन स्तर पर इस बात का अच्छा प्रचार प्रसार होना चाहिए कि संकल्प देना एक विधायक के लिए एक उसकी जिम्मेदारी है जनता के प्रति, और किस किस विधायक ने संकल्प दिया है और किस किस विधायक ने संकल्प क्यों नहीं दिया है। जो नहीं दिया है उसको पार्टी की ओर से और शासन की ओर से रिमाइंडर जाए कि आप संकल्प प्रस्तुत करेंगे तो शासन की मंशा को अच्छा मिलेगा। तो मैं सोचता हूं कि यह पूरा होगा। और हमें इस रूप में देखना पड़ेगा कि हम नौकरशाह नहीं है, हम जिस कानून से बंधे हैं वह कानून अपना एक अलग है, चुनाव आयोग द्वारा बनाया गया। यहां अगर इस विधानसभा के अंदर कोई चीज बनी है तो इसलिए बनी है कि हम जन नेताओं की छवि थोड़ी जनता के बीच में उभरे, हमारी टीआरपी बढ़े। जैसे महसूस किया जा रहा है कि भ्रष्टाचार के अन्य मुद्दे को लेकर, जैसे व्यापम घोटाला, हनी ट्रैप घोटाला, ई टेंडर घोटाला, इससे लेकर जनता की छवि निरंतर कम हो रही है हमारी। तो उस छवि को उभारने के लिए, जनता की छवि बनाने के लिए एक इस तरह के एक प्रयास किया गया है और अति प्रशंसनीय प्रयास है। अब इसको पार्टियां सक्रिय कितना करेगी, प्रचार कितना होगा, लोग कितने इसके जवाब देंगे और जनता इसको कैसे लेगी। अब जनता भी बहुत बड़ी बात है ना, अगर आपने एक संकल्प नहीं दिया और मान लीजिए 2% भी वोट इस बात से प्रभावित हुए तो जीत और हार का अंतर प्रभावित हो जाता है। तो इसके ऊपर ये अगर जनमानस बनेगा तो मजा आ जाएगा। नहीं तो आप उम्मीद क्या कर रहे हैं, क्या 230 विधायक 30 जून तक वाकई अपनी सही संपत्ति बताएंगे? देखिए मैं जहां तक सोचता हूं कि अगर ये अभी शुरू बार है तो 230 में तो शुरू बार में तो 100 ही बताएंगे। ये जो आपकी शंका है स्वाभाविक है ना, ये आपकी शंका स्वाभाविक है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर जिस तरह से पार्टी और सरकारी स्तर पर इसका प्रचार प्रसार और जनता के स्तर पर, जैसे जनता के अंदर जो एनजीओ हो इस बात पे नजर रखे कि किस विधायक ने संकल्प के अनुसार अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया और नहीं दिया और उसको वो सारा प्रचार प्रसार करे, तो मैं सोचता हूं कि संकल्प देने वालों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। लेकिन शेरा भैया तो किसी पार्टी से नहीं बंधे, उनकी इच्छा है तो देंगे, नहीं होगी तो नहीं देंगे। नहीं, शेरा भाई जनता से तो बंधे ना, शेरा भाई की जनता भी पूछेगी अगर पचास होगा कि शेरा भाई ये संपत्ति कहाँ से आई हमको बताओ जरा, पहले नहीं थी और अब कहाँ से आई, तो शेरा भाई भी जवाब दे। इस पे पारस जी मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, वैसे भी हम देते ही है, इनकम टैक्स में हमें डिटेल देते हैं, चुनाव के पहले जो फॉर्म 10 में देते हैं, तो मतलब ऑलरेडी देते आ रहे हैं, तो प्रैक्टिस में ही सवाल यही, फिर संकल्प की क्या जरूरत थी? जो लोग नहीं दे पा रहे ठीक से उनको बोला गया कि फिर से दिया जाए, हर साल का देना है, 5 साल बाद का है, ये हर साल की बात है। दीपक जी मैंने बताया ना, इस संकल्प का मकसद है कि जनता के बीच में नेताओं को नैतिक बनाना, उभारना और उनको जनता के प्रति जवाबदेह बनाना और जनमानस में भी इस बात के लिए जागृति पैदा करना कि वह जनता से उसकी संपत्ति को लेकर, उसके परिवार की, उसके आसक्ति की संपत्ति को लेकर प्रश्न कर सके, इस बात के लिए जवाबदेह बनाना, जनता और नेता के बीच में संवाद पैदा करना, जो एक छवि बनी। जैसे अभी सारे लोगों ने कहा कि लोग गरीब थे जब विधायक बने और विधायक बनने के बाद अरबपति हो गए, बिल्कुल। तो ये जो छवि बन रही है, इस छवि को कैसे उज्जवल किया जाए, उसको कैसे सुधारा जाए, उसके लिए संकल्प एक सोने में सुहागा है। बस इसका ईमानदारी से पार्टी है और सरकार प्रयोग करे तो बस वही तो जो आपने लगाया अगर और ईमानदारी, दही शब्द तो आड़े आ जाते हैं। हाँ, और ये तब नहीं आड़े आते जब आप इसको कानून की शक्ल में फ्रेम कर देते। हाँ, तब ये दिक्कत। मैं आऊंगा आपके पास इसका जवाब लेने, लेकिन उमेश जी भाई बीजेपी विधायक तो एक कदम आगे। जब मैं एक बहुत मजेदार बात बताता हूं जो मैंने रिपोर्ट में बताई कि मध्य प्रदेश के जो शिवराज सरकार के मंत्री थे उनके लिए भी, पारस जी आपको अच्छे से याद होगा, ठीक है, कितने मंत्रियों ने मुझे बताइए कि अपना ब्यौरा वो देते थे बिल्कुल ठीक ठीक नहीं। मैं सोचता हूं कि जब शिवराज सरकार के समाज में लगभग 30 के आसपास मंत्री रहे, औसतन 35 तो नहीं रहे कभी भी, पर मैं सोचता हूं कि उसमें से 6-7 ने भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। ये अब बताइए उमेश जी, जो आज आप कह रहे हैं बड़ी बड़ी बातें हैं कि साहब आजीवन कारावास दे दो और ये दे दो और वो, जब शिवराज जी के सामने संकल्प लिया, शिवराज जी का आदेश था, मुझे याद है अच्छे से, जब चुनाव आने वाला था वो हर कैबिनेट की बैठक में कहते थे भैया अपना संपत्ति का ब्यौरा दो, फिर मंत्री जी ना नुकुर कुछ कारण वारण ये वो बता बुतू के, उन्होंने कहा छोड़िए साहब कौन वेबसाइट पे अपलोड करेगा क्योंकि वैसे ही 15 साल हो गया है मंत्री बने बने। तो उमेश जी आज तो आपको बड़े तमाम बातें याद आ रही हैं, उस समय आप ही के मंत्री नहीं करते थे, तो क्या ठीक है कि संकल्प तक रहना चाहिए, इसे कानूनी जामा पहनाया जाना चाहिए? एक्चुअल क्या है, कांग्रेस का एक नारा था वक्त है बदलाव का, लेकिन मैंने बदलाव तो देखी नहीं, जनता भी बदलाव नहीं देख रही है, जनता वक्त है बहकाव की देख रही। आपने संकल्प लिया, जब संकल्प का सिद्धि नहीं होना है तो संकल्प किस काम का? यदि आप जो है जनता के लिए कानून बना सकते हो, जनता के लिए नियम बना सकते हो, तो एक आपको आदर्श आचरण जो है वहां पेश करना था आज। और मैं कहूंगा कि माननीय मंत्री जी को जो है उनको जो है गोविंद सिंह जी को यह कहना था कि नहीं इसमें जो है सजा का भी प्रावधान रहेगा, तब तो जनता के समझ में आता कि हाँ यार, नहीं तो आज भी जनता यही कहेगी कि देखो अपने लिए नियम अलग बना दिए, वो पेश करो ना करो और करो भी तो उसमें जो है कोई सजा का प्रावधान नहीं है, तो झूठ भी लिखो तो भी सही, सही भी लिखो तो भी झूठ। मेरा कहने का मतलब है कि जब संकल्प का सिद्धि ही नहीं होना है तो संकल्प का मतलब क्या है? ये तो गुमराह करने का है। आपने गुमराह किया, सदन को भी गुमराह किया और साथ में मध्य प्रदेश के जो है 7.25 करोड़ जनता को भी गुमराह किया। आपने जनता को वचन दिया था, गंगा जल लेके वचन दिया था कि मेरी सरकार आएगी 2018 में, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी भी वचन दे के गए थे यहाँ पे कि हम इतने बदलाव करेंगे कि आप पूछो मत, मध्य प्रदेश की जनता जो है राममय हो जाएगा। लेकिन आज आप देखो धीरे धीरे 1 साल हो गया, 1 वर्ष हो गया, लेकिन किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आ रहा है। ठीक है, पूर्व में वो अलग मामला, जी उस पर तो हम घंटों बहस कर सकते, वो बात नहीं, लेकिन ये जो थी चीजें थी, मैं उमेश जी सीधा आपने जवाब नहीं दिया कि भाई आपके समय भी संकल्प लिया था मंत्री, उसका भी पालन नहीं करते थे। भाई हमारे समय में संकल्प लिए थे, हमने पालन नहीं कर पाया, जनता ने हमको उसका दंड दिया, जनता ने हमको दंड दिया, हमसे कहीं गलती हुई, हमने जनता से क्षमा मांगा, भविष्य में हम उसको सुधार करेंगे। लेकिन एक चीज बताओ, जो जनता को गंगा जल लेके वचन दिए कि हम बदलाव करेंगे, हम नशा मुक्त मध्य प्रदेश को करेंगे, हमारे विधायक चोरी नहीं करेंगे, हम कहते हैं जो संपूर्ण विधायक है, आप सबके ऊपर लगाना चाहिए ना भाई कि आप अपने संपत्ति का ब्यौरा विस्तार से दो, यदि इसमें कोई त्रुटियां पाई जाती है तो आपको कारावास होगा, आपको सजा होगा, आपको इतने साल का सजा होगा। कानून तो बनाने के लिए आप लोग मन बनाओ, कानून तो सदन में पास ही हो जाएगा। ठीक बात है, मन तो बनाओ। ये आपत्ति आपकी वैलिड है कि भाई ये बन भी जाता तो क्या बुरा था, क्योंकि जनता के लिए अलग कानून, आम आदमी के लिए। मैं आऊंगा, लेकिन पंकज जी देखिए 2-3 चीजें आई हैं तीनों के बातों से। एक तो ये कह रहे हैं शेरा भैया कि भैया हम तो हर साल ही वैसे भी आईटी भरते हैं, रिटर्न भरते हैं, ठीक है, 5 साल में संपत्ति बता ही देते हैं, फिर हम जब पूछ रहे कि संकल्प की क्या जरूरत, तो पारस जी कह रहे हैं कि नहीं साहब देखिए थोड़ा इससे जनता में भरोसा बढ़ेगा नेताओं के प्रति, उनकी जो उज्ज्वल छवि वो भी सामने आएगी। तो पहले आपका कमेंट चाहूंगा कि ये संकल्प क्या पूरा है या अधूरा है? देखिए एक नारा आया था कि बदलाव का, फिर अभी उमेश जी ने कहा कि बहकाव का, मेरा कहना है कि ये बहलाव का है, बहलाने का, अच्छा, फुसलाने का। तो मुझको ऐसा लगता है कि जो संकल्प लाया जा रहा है, देखिए मुझे बताइए, अब अभी यहाँ पर संसदीय ज्ञान वाले लोग बैठे हुए हैं, उन्होंने संसदीय कार्य भी किया है और संसदीय जीवन इतना लंबा उन्होंने जिया है, मुझे बताएं कि किसी शासकीय या अशासकीय संकल्प की वैधानिकता क्या है। अगर कोई भी विधायक 10 विधायक कह रहे हैं कि हमें पहले 100 विधायक देंगे, 100 क्यों देंगे? पार्टी का विप क्या कहता है, पार्टी के निर्देश क्या कहते हैं, उसमें उनमें परिवर्तन आएगा, उनमें सोच बदलेगी। पार्टी तो ऐसे परिवर्तित सोच के लोगों को ही टिकट देती है, वो जांच परख के टिकट देती है कि ये संसदीय क्षेत्र में अपना कुछ कार्य अच्छा कर सकते हैं या नहीं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात मेरा कहना है, आपने जो मूल प्रश्न किया है इसका कोई औचित्य नहीं है, शासकीय संकल्प का कोई, मैं भी 40 साल से मैंने भी संसदीय रिपोर्टिंग की है, मैंने शासकीय अशासकीय संकल्पों का कोई वैधानिकता तो मुझे, मेरी बुद्धि और ज्ञान से तो मुझे समझ में नहीं आ, हो सकता है मैं गलत भी हूँ और मुझे करेक्ट किया जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता। हाँ, अगर सरकार इस पे विधेयक के जरिए कानून लाती और एक्ट बनाती और उसको लागू करती और उसमें सजाओं का प्रावधान होता, हमारा कहना है कि समाज के सारे जितने भी वर्ग हैं सभी जो हैं वो उसके दायरे में आते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, इसीलिए हम तो कह रहे हैं कि आप मत न विधेयक लाइए न संकल्प लाइए, क्योंकि संकल्प आपने अगर नहीं भी किया है तो हम तब भी हम आपकी नैतिकता पे प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएंगे, क्योंकि आप लोग तो सेवा के क्षेत्र में आए हैं, व्यवसाय तो आप कर नहीं रहे हैं, आप तो सेवा कर रहे हैं। और उस सेवा, इसमें ये ऐसी सेवा है ये कि इसमें वेतन भी लिया जाता है, भत्ता भी लिया जाता है, एक अद्भुत किस्म की सेवा है। ठीक है, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक, लेकिन हमारा मत ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी छूट दे दीजिए। वो सबसे संपत्ति का ब्यौरा प्राप्त कर लेंगे, वे सर्वे भी कर लेंगे, सब कर लेंगे। मैं किसी की प्रतिष्ठा पे आंच नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना यह है कि जितने भी तोते हैं इन तोतों को पिंजरे में से आप निकाल दीजिए, स्वतंत्र छोड़ दीजिए, उनको फीडबैक मिलता है, उनके पास भी सूचनाएं पहुँचती हैं, उनके पास ज्ञात सूचनाएं पहुँचती हैं, अज्ञात सूचनाएं पहुँचती हैं, मुखबिरी होती है, उनके अपने फीडबैक के तरीके होते हैं, तब ना वो कहीं छापे मारते हैं और सर्वे करते हैं। ऐसे तो नहीं करते, सूचनाओं के आधार पे ही करते हैं, उनको पता चलता है कि कमाई कहाँ हो रही है कहाँ नहीं हो रही। लेकिन देखिए ऐसा है, जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, इनकम टैक्स की हिम्मत नहीं है उन पर हाथ रखने की, जब तक कि सरकार का इशारा ना हो। मुझको ऐसा लगता है कि इन चीज़ों का कोई बहुत ज़्यादा महत्व नहीं है, ये सारी राजनीतिक चीज़ें हैं और जनता को भ्रमित करने के लिए। भ्रमित कर, देखिए सीधा सा आरोप शेरा भैया है कि ये मतलब एक महज खाना पूर्ति जैसी चीज़ें हैं। अब आप बताइए ना कि संकल्प की क्या महत्ता है फिर शेरा भैया? नहीं, मैं तो ये इससे हमारे आदरणीय जो चीफ मिनिस्टर साहब आदरणीय कमलनाथ जी का ये चाल चरित्र चेहरे पब्लिक को दिखाने का है, हमारा पूरा साफ सुथरी बात है, साफ छवि पेश करने की बात है। और वो चाहते हैं कि हर साल विधायक क्या संपत्ति जोड़ी है या क्या संपत्ति कम हुई है ये पब्लिक के सामने आए और आना चाहिए। ये हमारे मतलब जो सिस्टम है, हमारे सिस्टम में इसका रहना बहुत ज़रूरी है कि आप हर साल अपनी संपत्ति का डिटेल पब्लिक के सामने लाए, पब्लिक को बतलाया जाए कि आपने क्या पैसा कमाया है कि सेवा की है ये पूरे एक साल दो साल। तो बहुत अच्छी, लेकिन मंशा बहुत अच्छी है, आदरणीय कमलनाथ जी की बहुत अच्छी सोच है। वो खुद जिस हिसाब से उन्होंने कई सालों से राजनीति की है और अपनी छवि को बिल्कुल साफ सुथरी रखा है, वो चाहते हैं कि उनके साथ जितने विधायक काम कर रहे हैं और ना कि सिर्फ विधायक, उनकी पार्टी के पूरे विधायक जो 230 विधायक, उनकी छवि पार्टी पब्लिक के सामने एक अच्छी तरह से पेश हो और उनकी वाहवाही हो, उनको काम करने का ताकत मिले। हर विधायक की छवि सुधरेगी तो उसको काम करने की ताकत मिलेगी। लेकिन जो आशंका जता रहे हैं पंकज जी कि क्या फायदा इसका? नहीं, इसका बहुत फायदा है, इसमें आत्मशुद्ध की बात है, एक चिंतन की बात है। पब्लिक को वो ही दिखाया जाएगा, बतलाया जाएगा जो उसके पास है, जो वो कर रहा है, और इससे आदमी को सुकून की बात है और काम करने की ताकत दिखाएगा। फिर वो सब करेंगे, आप देखिएगा जब आप समाज सेवा में आते हैं, जनप्रतिनिधि के रूप में आते हैं, तो आपकी मंशा ही अलग हो जाती है, आपकी सेवा करने की मंशा हो जाती है। आप चाहते हैं कि समाज को, अपने क्षेत्र को आगे से आगे कैसे किया जाए, कैसे विकास किया जाए। हेलीकॉप्टर तक कैसे पहुंच जाते हैं ये बताइए ना मुझे। देखिए, मैं साफ बोलना चाह रहा हूँ कि साइकिल से तो कोई जनप्रतिनिधि आजकल घूम नहीं रहा है, आज नहीं घूमते थे वो, आज वो जमाना अलग था, बापू गांधी का जमाना था, गांधी बापू जी का, और उस जमाने में वो तरीका, उनका स्टाइल था, वो चाहते थे उस तरह से काम हो। लेकिन अभी जब जिंदगी में बहुत सारे बदलाव आए, अभी हम लोग आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करने जा रहे हैं, तो दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव है हर जगह। अभी हम 21वीं शताब्दी में जा रहे हैं। उस 21वीं शताब्दी में अगर आप बोलेगी मैं साइकिल से पहुंचूंगा तो पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल साइकिल अभी अभी वो चीजें नहीं है। मैं इसी 2018 की बात करता हूं। मैं कुछ ऐसे विधायकों को जानता हूं जिनके पास खुद का कोई चार पहिया वाहन नहीं था। जिस दिन वो चुनाव जीते अगले दिन उनके पास एक नई चार पहिया स्कॉर्पियो आ गई और बड़ी गाड़ी आ गई और महंगी गाड़ी आ गई। प्रोविजन है आज, आज हर विधायक को लोन लेने का प्रोविजन है, उसमें लोन की सब्सिडी सरकार खुद देती है। ठीक है, मेरे साथ भी ऐसी हुआ, मैंने भी चुनाव जीता, उसके 4 महीने बाद मैंने भी एक 4 व्हीलर कार खरीदी। तो सभी लोग खरीदते आने जाने के लिए, विधानसभा में घूमने के लिए, भोपाल आने के लिए। आपके पास व्हीकल होना बहुत जरूरी है, जरूरत है, ये दिखावा नहीं है, दिखावा नहीं है, जरूरत है, नेसेसिटी। बिल्कुल बिल्कुल, हम नहीं कह रहे हैं कि हमारा विधायक साइकिल से चले या बैलगाड़ी से चले, कोई जरूरत नहीं। उसको हमारी जनता की काम करने हैं तो हेलीकॉप्टर भी यूज करें। हमें उससे जो निजी संपत्ति की बात हो रही है उसकी मैं बात कर रहा था। लेकिन एक जो शेरा भैया आप बताइए, फिर स्पीकर साहब ने क्यों कहा कि साहब क्यों आप अपने आप को बांधने जा रहे हैं, ये तो स्व विवेक पे निर्णय छोड़ देना चाहिए था। नहीं, उनको आपकी ज्यादा चिंता थी। स्पीकर साहब की अपनी खुद की सोच हो सकती है, वो उनका, वो उनके तरीके से जिंदगी जीते हैं। लेकिन हमारे कमलनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री है और हमारे कप्तान हैं, उनकी सोच है कि जो हमारा, हमारे साथ जो 230 विधायक काम कर रहे हैं उनकी छवि अच्छी हो और बेटर हो, सफेद से सफेद उनकी छवि हो, पब्लिक के सामने जब वो जाए तो पब्लिक उनकी जय जयकार करे। लेकिन पारस जी जो देखिए 2-3 आशंकाएं जो आई पंकज जी की भी, उमेश जी की, भाई आम आदमी के लिए अलग कानून, ठीक है, और जनप्रतिनिधियों को वो तो होता ही है कि जो तमाम दुनिया के लिए कानून, उससे पहले जनप्रतिनिधियों को बचाने के रास्ते निकाल लिए जाते हैं। और बताए पंकज जी ने कि ऐसे संकल्प शासकीय संकल्प कई आए, पारित हो गए, वो पता ही नहीं क्या हुआ उनका। तो ये जो है कि इसको हम क्यों न खाना पूर्ति महज औपचारिकता भर माने। देखिए मेरा फिर थोड़ा सा कहना है कि इसको कानून बनाने का अधिकार विधानसभा को नहीं है। आप भी अच्छी तरह से वाकिफ है, पंकज जी भी वाकिफ है कि जनप्रतिनिधि कानून के अंदर कोई भी कानून बनाने की व्याख्या करना, उसको ये सारा अधिकार चुनाव आयोग को है। और चुनाव आयोग जिस प्रकार के कानून चाहे उस तरह के कानून बना सकता है। वह एक रिक्वेस्ट कर सकता है सरकार से कि जैसे आप जो अपराधी है उनके लिए कानून बनाए। अब नहीं बनता है तो उसके लिए कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं अभी, मैंने फिर भी कहा कि आप इसको उस कानून की नजर से या सरकार के अन्य अधिनियम द्वारा बनाए गए एक्ट के रूप में मत देखिए। ये हर पार्टी का छोटा सा ये प्रयास होता है, जो शीर्ष उसका नेतृत्व होता है वह ये प्रयास करता है। प्रयास क्यों, हम कह रहे हैं इसको जिम्मेदारी बनाइए ना आप। इसको भाई देखिए आम आदमी के लिए उसको जब कानून बनाया नहीं जा सकता, क्यों नहीं बनाया जा सकता, इसलिए नहीं बनाया सकता। मैं आपसे नहीं सहमत। ऑलरेडी इनकम टैक्स में कानून है कि हर व्यक्ति द्वारा, चाहे वह नेता हो, चाहे मंत्री हो, चाहे अधिकारी हो, अपने द्वारा कमाई गई अवैध संपत्ति पर कार्रवाई करता है। और आप देख रहे कार्रवाई हो रही है, सीबीआई कई लोगों के छापे डाल रही है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो। इनकम टैक्स कई लोगों की जांच कर रहा है, चाहे वह राजनीतिक रूप से हो। तो इसका मतलब कानून तो ऑलरेडी है। शेरा भाई ने कहा हम इनकम टैक्स रिटर्न देते हैं। एक फिर दूसरी बात वेतन और भत्ते की बात व्यंग के रूप में पंकज जी ने कही। मैं थोड़ा सा पंकज जी बताऊं कि वेतन और भत्ता नहीं, ये मानदेय है। और मानदेय के रूप में आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार है कि यह जो मानदेय उनको दिया जाता है कि जनता और उनके बीच में संपर्क बने रहने के लिए जो आवश्यक खर्च है उस खर्च की उससे पूर्ति होती है। उस पैसे से कोई आदमी करोड़पति नहीं हो सकता। उस पैसे से कोई करोड़पति के लिए तो अलग तरीके हैं, वो तो कमीशन है, तो ट्रांसफर है, लेना है। मेरा साफ कहना है कि भाई उमेश जी ने भी विरोध किया, अभी मजाक उड़ाई। और जब कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अधिकृतपति बोलेगा तो उसके अंदर गंगा भी आएगी और राम भी आएगी, जैसे उमेश जी के भाई। पर ये इस बात को भूल जाता है कि 5 साल के केंद्र सरकार के कार्यकाल में मुझे ये कहा कविता याद आ रही है, गीत याद आ रहा है कि राम तेरी गंगा मेली हो गई, भाजपा सरकार के पाप धोते धोते। ये भूल जाते इस बात को। पर मैं अभी भी आपसे कह रहा हूं कि भाई भाजपा ने पूरा समर्थन किया इसका, फिर कोई कैसे विरोध कर सकता है। मुझे अब मैं देखिए सीधे से आम आदमी की भाषा में आपसे, आप विधानसभा में भार्गव जी, अपने विश्नोई जी, विश्वास सारंग सभी खुला समर्थन करते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि इसमें आजन्म कारावास दे दिया जाए। तो ये तो सिर्फ पब्लिसिटी पॉइंट का व्यू है। अब उनको ही पता होना चाहिए कि आजन्म कारावास की परिभाषा क्या, किसको मिलता है आजीवन कारावास। सही है, देखिए हम तो ये कह रहे हैं जी भाई, मैं आप बात समझिए भाई, सरकार या ट्रैफिक विभाग क्या समझाता लोगों को, हेलमेट आपकी सुरक्षा के लिए पहन लीजिए, फिर भी क्या करते हैं लोग नहीं पहनते, फिर क्या करना पड़ता है, चालान काटना पड़ता है। उस डर से ही सही कम से कम पहनते तो हैं। अगर विधायकों को भाई, विधायक मंगल ग्रह से तो नहीं आए हैं, है ना, ये हम जैसे आम लोगों के बीच में से उठकर आते हैं, आप भी आम लोग हैं, बल्कि आप तो जनसेवक हैं। पर आपको जनता आपसे ऊपर है। आपको एक बात मैं कहता हूं कि अगर आपको व्यक्ति इन दोनों के बीच के जो एक संबंध है उसको आप थोड़ा सा अलग अलग रूप में व्याख्या करना पड़ेगा। एक व्यक्ति के रूप में एक विधायक अगर वो काम करता है जो कानून की परिभाषा में अपराध है तो उस पर कार्रवाई करने के लिए सारे कानून स्वतंत्र है। कोई कानून ये नहीं कहता कि विधायक पे कार्रवाई इसलिए नहीं की जा सकती व्यक्ति पे कि वो विधायक है। ये आपको पता अच्छी तरह से ना। फिर जब ऑलरेडी क्या इस देश के अंदर अवैध संपत्ति अर्जित करना, बेनामी संपत्ति अर्जित करने के लिए कोई कानून नहीं है क्या? जब सारे कानून है तो फिर ये क्यों? ये जो एक छोटा सा प्रयास इसलिए किया गया है कि शासन और कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टी के नेताओं की मंशा है कि नेताओं की छवि जनता के प्रति सुधरे, जनता में जन चेतना नेताओं के प्रति जागृत हो और जनता उनसे प्रश्न कर सके। देखिए जब कार्यों के प्रश्न तो पहले होते थे पर पिछले 20 साल से यह हुआ कि लोग राजनीति के माध्यम से संपत्ति ज्यादा अर्जित करने लगे और इस रूप में जनता उनसे प्रश्न कर सके, इस चेतना को जागृत करने का छोटा सा प्रयास है। प्रश्न कब हो पाएगा पारस जी? कानून पे क्यों लेते हैं? मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि ये तो वही है ना बात कि जनता तो तब प्रश्न करेगी जब उनके विधायक जी संपत्ति बताएंगे। हाँ, अगर नहीं बताए नहीं बताएगा तो जनता पूछेगी कि आपने क्यों नहीं बताया। किसको फुर्सत है साहब? मैं नहीं जाता मेरे क्षेत्र के विधायक से पूछने की, ना मेरा विधायक मुझे बताने वाला। देखिए दीपेश जी, जब जनता को जागृत नहीं करेंगे तब तक लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा? देखिए हमारी सोच कितनी हो गई है। अभी पंकज जी ने भी एक शब्द का प्रयोग किया कि ये जो सारा ये बहलाव नहीं है। ये सरकार ने बदलाव की बात की थी लेकिन बदलाव नहीं, बहलाव है। ये शब्द इन्होंने अभी एसीसी से चुराया। ये शब्द इनके निजी सोच का नहीं है। अच्छा। ये चुराया गया शब्द है कि ये एसीसी से चुराया भला। इसमें क्या बहला दिया हमने? इसमें बता दीजिए कि अगर कमलनाथ जी ने प्रस्ताव रखा और सारी पार्टी 230 विधायकों ने एक साथ का समर्थन किया तो इसमें क्या बहलाव कर दिया? क्या हमने ये कह दिया कि हम सब ईमानदार हो गए? नहीं, हमने दीपक जी क्या हमने सब कह दिया हम ईमानदार हो गए, हम दूध के दूल्हे हो गए, हम चांद जैसे पवित्र हो गए? हमने ये थोड़ी कहा। हमने कहा कि हमारी संपत्ति तुम पूछो, जनता जागो मेरे देश की प्रदेश की, पूछो हमने ये पैसा कहां से कमाया। हम तो ये कह रहे हैं, हम तो जनता को जागृत कर रहे हैं, हम कहां भेजा रहे हैं। पंकज जी ये देखिए तो जनता को जागृत कर रहे हैं। मैं पारस जी की बात का जवाब दूंगा। पहले तो मैं ये कहूंगा कि जो जिन लोगों ने, जिन बीजेपी के विधायकों ने भी इसका समर्थन किया है वो कानूनी प्रावधान की बात की है तो कानूनी प्रावधान की बात उनको इसलिए नहीं करना चाहिए उन विधायकों को बीजेपी के, क्योंकि उनके समय में भी ये जब संकल्प आए हैं तो उसमें कानूनी प्रावधान वो कर सकते थे। हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि एक चीज़ और बता दूं, कई ऐसे मुद्दे होते हैं संसदीय प्रजातंत्र में कि जब जितने भी ये जनप्रतिनिधि हैं सभी पार्टियों के, मैं प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, राष्ट्रीय स्तर पर वेतन भत्ता और जो सजा का प्रावधान होता है चुनाव की में जो जिस प्रकार के आचरण किए जाते हैं उसमें सर्वदलीय बैठक में कोई मतभेद नहीं होता। दीपेश जी सारी पार्टियां वेतन के नाम पर एक हो जाती हैं। तो ऐसे कंसेंसस के बहुत उदाहरण है इस देश में, पॉइंट नंबर 1। और दूसरा जो आरोप मुझ पर लगाया है चुराने का पारस जी ने, तो मैं उसका मतलब बड़े कठोर शब्दों से खंडन करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने जो शब्द इस्तेमाल किया है, आप बताइए बदलाव कहाँ आया? मैं इस पर डिबेट कर सकता हूँ, आप बताइए एक साल में बदलाव कहाँ आया? अच्छा, इन्होंने कहा भटका, आपने उमेश जी है बहकाने की बात की, मैंने कहा बहलाने की। अब बहलाने की बात तो CAA में कहीं आया ही नहीं है। मैंने तो बहलाने और फुसलाना शब्द भी उसमें जोड़ा है। मेरा कहना यह है कि देखिए ऐसा है कि सरकार में जब जिम्मेदार जनप्रतिनिधित्व कानून है उसमें सारी चीज़ें परिभाषित हैं। सरकार में जब चीज़ें स्पष्ट होती हैं, जो भी जनप्रतिनिधि आते हैं बहुत उत्तरदायी पूर्ण होते हैं। सरकार उनको पार्टी जो है चुनाव लड़वाती है, उनको टिकट दिया जाता है, बहुत बड़ा विश्वास किया जाता है। मुझको नहीं लगता कि अब उस विश्वास की जो परीक्षा है वो इस संकल्प के माध्यम से कराई जाए। ये एक वास्तव में अगर पारस जी आप इसको देखेंगे, आप पार्टी और ये राजनीति से उठकर एक सामान्य व्यक्ति के रूप में, जैसे कि हम लोग एक सामान्य व्यक्ति के रूप में बात कर रहे हैं, जब आप सोचेंगे तो आपको भी लगेगा कि वास्तव में ये चीजें जो हैं हमारे संसदीय समय को नष्ट ही कर रही हैं। इनमें विधानसभा का और जनता का पैसा ख्वार हो रहा है, इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। और वास्तव में अगर इन चीजों से लाभ हो तो मैं कह रहा हूं कि वास्तव में ऐसे संकल्प आना चाहिए, लेकिन उन संकल्प पे चलने की हमारी वृत्ति भी होना चाहिए। प्रवृत्ति अगर नहीं होगी तो हम क्या करिएगा। ठीक है, देखिए पारस जी सीधा सवाल है कि भाई आप उम्मीद करें कि चलिए 100 तो दे देंगे 30 जून को, फिर अगले साल 110 कर देंगे, फिर अगले साल 120 कर देंगे। मैं ये कह रहा हूं जैसे आप व्हीप जारी करते, क्यों जारी करते हैं राजनीतिक दल व्हीप, वो भी आप बांधते हैं ना किसी जनप्रतिनिधि को अपने आदेशों में। तो अगर ये या तो व्हीप आप जारी कीजिए कि नहीं साहब आपको बिल्कुल देना ही है, हमें अपनी पार्टी की छवि बिल्कुल उज्जवल रखनी है, हमें चाल चरित्र चेहरा अपना प्रदर्शित करना है, तब तो हम माने कि नहीं साहब वाकई बहुत, देखिए भले ही बीजेपी ना करे तब बीजेपी पर यह असर पड़ता कि नहीं देखिए कांग्रेस वालों ने करा भैया अब हमें भी करना है, भले मजबूरी में सही कम ज्यादा जो भी बताएं। वो अगर एक नियम में चीजें बंधी रहे, देखिए चुनाव आयोग अगर आपसे ना मांगे, कौन बताइए मुझे अपनी संपत्ति बताएगा। चुनाव आयोग ने नियम इसीलिए बनाया ना कि भैया आपको अपनी संपत्ति तो बतानी पड़ेगी, वरना क्या काम चुनाव आयोग में आपकी संपत्ति पूछने का, कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जी ये तो सालाना संकल्प संपत्ति के ब्यौरे की बात हुई अपने और अपने आश्रितों पर एक विधायक की, लेकिन चुनाव आयोग तो इससे 4 कदम आगे ऑलरेडी बढ़ चुका है। वह तो उस प्रत्येक व्यक्ति की संपत्ति की बात करता है जो चुनाव के लिए उम्मीदवारी तय करता है, मांगता है। उसके अंदर इतना कठोर कानून ऑलरेडी बना हुआ है कि अगर वह संपत्ति का दिया गया बोरा अंश मात्र में गलत निकलेगा तो चुनाव जीतने के बाद भी उसका चुनाव शून्य हो जाएगा। इतना कठोर ऑलरेडी कानून है। अब एक विधायक 5 साल पहले अपनी संपत्ति का ब्यौरा देता है, फिर अगले 5 साल में ब्यौरा देता है, तो दोनों ब्यौरा जग जाहिर है। आरटीआई कहता है दोनों कॉपी मांग सकते हैं, और कई एनजीओ देश में काम कर रहे हैं कि उन संपत्ति का विश्लेषण करके बराबर जनता के बीच में रख रहे हैं। तो मेरा कहना कि ये तो एक ऑलरेडी कानून बना हुआ है और इस कानून का बड़े स्तर पर उपयोग भी हुआ है। कई विधायकों के उस संपत्ति के उस ब्यौरे की गलती के कारण उनका चुनाव निरस्त हुआ। पंकज जी ने एक अच्छी बात, बहुत अच्छी बात बोली, मैं उनकी बात की तारीफ करता हूं। उन्होंने बोला कि एक वृत्ति बनना चाहिए लोग, और मैंने आपने भी इस बिंदु को उठाया कि पार्टी इसके लिए व्हीप जारी करें। तो मैं आपसे पहले ही कर चुका कि अगर कोई पार्टी आप इससे दबाव बनेगा जनता का, तो पार्टी जब टिकट देने की बात करेगी तो जब पूछती है कि आपके फेसबुक पे फ्रेंड कितने हैं, आपके ट्विटर के फ्रेंड कितने हैं, आपने आंदोलन कितने किए, इतनी बात पूछने के साथ साथ पार्टी अगर विधायक को पुनः टिकट के लिए आवेदन करता है तो उससे पूछे कि आपने अपनी संपत्ति का 5 साल ब्यौरा दिया या नहीं दिया, और दिया है तो उसकी प्रति संलग्न करे। अब ये दबाव आपको हमारे पंकज जी का, उमेश जी का, शेरा जी का, हम इस मुहिम में आपके साथ आए हैं कि इस संकल्प को जन चेतना बनाए, हाँ। पार्टियों पे दबाव बनाए, हाँ। कि पार्टी इस संकल्प को अपने एजेंडे में, तो ये दबाव बनाने के लिए ही तो हमने आपको डिबेट में बुलाया है। तो मैं आपकी इसीलिए तारीफ कर रहा हूँ, उमेश जी की दबाव बनना चाहिए, कर रहा हूँ शेरा जी की, कर रहा हूँ कि इस यज्ञ में हम सब आपकी तारीफ करते हैं और आपकी भावना की कदर करते हैं। उमेश जी का जरा कमेंट ले ले, फिर मैं आता हूँ पंकज जी। क्या है, आज मुख्यमंत्री जी को आदर्श स्थापित करना था लेकिन वो नहीं किए, उसका कुछ कारण है। आपने 100 क्यों बोला, आप 230 भी तो बोल सकते थे ना कि मुझे जो है जून नहीं मार्च तक 230 का चाहिए डाटा। भाई आप मुख्यमंत्री हो, आपको कौन रोक सकता है। और आप ये कह दो, आपका आदेश हो जाए और सदन में जो है ये संकल्प पारित हो जाए तो कौन नहीं पेश करेगा, क्यों नहीं पेश करेगा। इसका मतलब है कि इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ी है। आप मुख्यमंत्री जी को भी पता है कि मेरे 20 विधायक देने वाले नहीं देने वाले, मुख्यमंत्री भी ऐसे कानून नहीं बना सकते। मैं कानून की बात नहीं, मैं संकल्प आप कैसे थोड़ा सा कंपलसरी आप संपत्ति का ब्यौरा दो। हमारे बड़े भैया है सकलेचा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप संकल्प जो पारित किया, संकल्प में एक और संकल्प जोड़ दो कि आप जो है ये संकल्प तब सिद्धि होगी जब 230 विधायक जो है मार्च तक मेरे पास डाटा देंगे सरकार को कि हमारी संपत्ति क्या है। ये मैं कह रहा हूँ, मैं कानून की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो कर सकते। मैं एक मिनट पंकज जी, मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहूंगा, ये अगर इसमें कानून भी बनता, अगर विधेयक के रूप में लाया था, क्योंकि गोपाल भार्गव जी ने बोला, पारस जी मुझे नहीं पता क्यों कह रहे हैं कि ये कानून नहीं, कानून बनाना तो राज्य सरकारों का ही काम है। नहीं दीपे जी, कानून विधायक के लिए कानून बनाना राज्य सरकार के हाथ में नहीं है। अच्छा, क्योंकि पूरे देश की विधानसभा और लोकसभा तक जाएगी, ये बात सच है। केंद्रीय चुनाव आयोग आप डिमांड तो करते हैं, केंद्रीय चुनाव आयोग के अंतर्गत राज्य चुनाव आयोग कार्य करता है। विधेयक पास करके आप केंद्र के पास भेज देते, बड़े केंद्र के पाले में। मेरा ये कहना था कि आपके बस की नहीं थी, आप सिद्धि चाह रहे थे, आप संकल्प चाह रहे थे, आप कानून बनाना चाह रहे थे, तो आप सदन में पेश करते कि मैं केंद्र सरकार को जो है भेज रहा हूँ, केंद्र सरकार इस पे अपनी टिप्पणी देगी, ये कानून बनना चाहिए। दीपेश जी, इसमें इस विधेयक में इस संकल्प में कोई उसमें मंशा स्पष्ट नहीं है। ये एक जिसको कहते हैं ना, हम जब हम परीक्षा देते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए, ये जो कुछ ऐसी पूर्तियां हो रही हैं, कुछ गड्ढे हो गए हैं इस प्रदेश में, सरकार में ये गड्ढे भरे जा रहे हैं और एक वातावरण इस प्रकार से बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं बन पाएगा। अभी पारिस जी ने बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा है कि ये जनप्रतिनिधि कानून की बात भी मैं उनकी मानता हूं, लेकिन मेरा कहना यह है जो उमेश जी ने भी कहा, हालांकि उमेश जी ने जो कहा वो अपनी सरकार में उनको करना चाहिए था 15 साल, वो तो कह रहे नहीं किया, लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं, मतलब उनकी मंशा है। तो मेरा कहना यह है कि इसको दिखावे का बनाने के बजाय एक ऐसा ठोस पहल करना चाहिए थी और वास्तव में चुनाव आयोग को भेजना चाहिए था, तो वो ऐसा नहीं किया गया। और अभी जो पारस जी ने जो बहुत ही एक आदर्श स्थापित करने का प्रयास किया है, उन्होंने कहा कि ये सब चीजें जब टिकट वितरण होता है तो बहुत महत्वपूर्ण होता है और पूछा जाता है उसमें यह सब। तो मेरा कहना ये है पारस जी कि आज के जमाने में, जहाँ पे शेरा जी ने भी कहा कि आज जो है, आज जो हम साइकिल से प्रचार नहीं कर सकते और जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। आपने भी उदाहरण दिया कि अब पूछा जाता है कि आपके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर कितने हैं, यूट्यूब पे कितने हैं। उस जमाने में फिर मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये स्थिति आ गई, और अब नहीं, कई सालों पहले से कांग्रेस में तो है और बीजेपी में भी आ गई है। बीजेपी तो पूरे कांग्रेस के ही उन्हीं सिद्धांतों पे चल रही है कि जब टिकट का जब वितरण होता है तो फिर पार्टियां कहती हैं कि हमारी एक ही नीति है कि जीत की संभावना वाला प्रत्याशी। फिर वो भले ही उसके ऊपर 36 मुकदमे चल रहे हो, वो किसी पार्टी का हो, वो सुबह पार्टी में आया हो, वो शाम को पार्टी में आया हो, उसके बाद छतरपुर लोकसभा का मामला तो बहुत ही बहुचर्चित है। दो महिलाओं के बीच में, एक कांग्रेस की थी, एक बीजेपी की थी, और दोनों को पार्टियों ने अपने आपस में अदला बदली करके चुनाव शेड्यूल में यही हुआ। शेड्यूल बहुत बढ़िया बात बोली। मैं यही कह रहा हूँ कि शेरा भैया, एक तो हालांकि मैं ये बात जरूर करना चाह रहा था, चूंकि आप मिले बड़े दिनों बाद, 17 तारीख को कमलनाथ सरकार का भले ही 1 साल हुआ, लेकिन शेरा भैया के भी सब्र का 1 साल पूरा हो गया है। तो ये सब्र कब खत्म होगा शेरा भैया, इसका आज खुलासा करके जाइए। सभी लोग मुझसे यही बातें करते हैं, बहुत धन्यवाद। मैंने उनको नाम दिया, मैंने नाम दिया, एक फोन पे आपसे चर्चा हुई थी, आप बॉम्बे जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, मैंने कहा था कि मैं मिनिस्टर इन वेटिंग से बात कर रहा हूँ, तो शेरा भैया ने बोला हाँ, और कमलनाथ जी से इनकी 2 दिन पहले बात हुई थी और इस बात को हो चुके 3-4 महीने। अब बताइए शेरा भैया, हमारे सब्र का बांध टूटने लगा। क्या होता है कि आदरणीय कमलनाथ जी को सरकार चलाने बहुत मुश्किलें आई पहले तो, आज 1 साल में पूरा संभाला है सरकार को। एक अल्पमत की सरकार शुरू में थी, बाद में बहुमत पे कन्वर्ट हुई, लोगों को जो निर्दलीय और दूसरे लोगों ने सपोर्ट किया, और फिर उसके बाद सरकार के पास पैसा नहीं था, सरकार को खजाना खाली मिला था जब सरकार में आए थे। तो 1 साल पूरा अभी इनको संभालने में लगा, फिर उनके खुद के वचन थे, उस वचनों को पूरा करने में बहुत समय लगा। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सब मुद्दों से ऊपर उठ के अभी ये बहुत जल्दी निगमों के अध्यक्ष, पार्टी प्रेसिडेंट और रिशफल या एक्सपेंशन होने जा रहा है, और बहुत ही जनवरी के महीने में मुझे लगता है कि सब पूरा हो जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि क्या होता है कि एक व्यक्ति के पास 4-5 डिपार्टमेंट है जो उनके साथ इंसाफ नहीं कर पाते, उतना समय नहीं दे पाते और एफिशिएंसी नहीं आ पाती है मंत्रालय में। तो इस हिसाब से मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि बहुत जल्दी जनवरी में निगमों के और एक्सपेंशन दोनों काम होगा, जिससे कि वर्क डिवीजन होगा तो एफिशिएंसी आएगी और क्लियरिटी आएगी। ये आपका बड़प्पन है कि और आपका धैर्य है जिसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन मुझे एक आशंका है कि 115 तो कांग्रेस के हो ही चुके हैं, ठीक है, 1 आध और उपचुनाव हुआ, 116 उनके हो जाएंगे, फिर ना उनको निर्दलियों की जरूरत है, ना सपा की, ना बसपा की, फिर क्या होगा शेरा भैया का? नहीं, उसका एक शेर से मैं बोलना चाह रहा हूँ, हम बावफा थे इसलिए नजरों से गिर गए, शायद तुम्हें तलाश किसी बेवफा की थी, तब ये शेर शायद लागू हो जाएगा। लेकिन शेरा भैया, जवाब फिर क्या देंगे आप क्षेत्र की जनता को? अगर नहीं, क्षेत्र की जनता को फिर एक शेर में जवाब दूंगा कि वक्त पड़ा गुलिस्ता को तो खून हमने दिया, बाहर आए तो कहने लगे तेरा काम नहीं। पारस भैया, ये शेर ना पढ़ना पड़े। हम लोग की भी इच्छा है शेरा भैया को मंत्रालय मिले और भाई ये उमेश जी तो सही बोल रहे हैं, वाकई मैंने देखा एक नई तरह का वातावरण देखा मैंने, वो अधिकारी वर्ग हो, कर्मचारी वर्ग हो, अपोजिशन के लोग हो, बीजेपी के हो, बस सभी लोग चाहते हैं कि मैं मंत्री बनूं। पता नहीं ये भगवान, हाँ तो मैं काम करते रहता हूँ, काम करने भूल गए शेरा भाई। मीडिया को, मीडिया भी तो बहुत फ्रेंडली है, मीडिया फ्रेंडली हूँ मैं। आप सब लोग जानते हैं कि हम मीडिया फ्रेंडली MLA हैज कम टू भोपाल, दे ऑल लव मी अ लॉट, इतना प्यार करते हैं मीडिया, और सभी लोग मुझे चाहते हैं कि मैं मंत्री बनूं। अगर मैं मंत्री बन गया हूँ तो समझो 10,000 लोग मंत्री बन जाएंगे मध्य प्रदेश में, लगता है ये होना चाहिए। देखिए लेकिन पारस भैया दोनों शेर ना पढ़ना पड़े शेरा भैया को, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, मैं देखिए अभी शायद शेरा, अब वो अंदर की बात तो नहीं बोलूंगा, पर जब शेरा भैया 2 दिन पहले, हम कल की बात है, शेरा भैया और हम एक साथ उस जगह थे जहां से तय होगा कि शेरा भैया मंत्री बन सकते कि नहीं बन सकते। और वहां तो अभी भी सकते क्यों लगा रहे हैं आप? वो तो बिल्कुल जो भी तय करेगा, हाँ ना, तो एक इसके 2 पहलू बिना तो सिक्का होता नहीं है ना, तो उस जगह थे, तो वहां से ये सिग्नल मिला के बन सकते हैं, मेरी बात पूरी हो रही है आप, और शेरा भैया उसके गवाह है। मैं चाहता हूँ शेरा भैया अगर चाहते तो उस बात पे मुझे मिठाई खिला सकते थे, उस समय माहौल वैसा नहीं था, आप बहुत बड़े लोगों के साथ बैठे थे हमारे प्रदेश के। लेकिन पारस भैया चलिए फिर मैं इसी से आगे आपसे सवाल जोड़ता हूं कि भाई इसी चक्कर में तो अभी तक न प्रदेश अध्यक्ष तय हो पाया, न कैबिनेट विस्तार हो पाया, न निगम मंडल अध्यक्ष तय हो पाया कि एक अनार 100 बीमार, भैया 4 को बना दिया 14, फिर नाराज हो जाएंगे, उनका क्या करेंगे फिर? नहीं देखिए, अब मैं आपसे थोड़ी सी बात कहूंगा कि एक सत्ता को चलाना एक अलग रूप होता है। जैसे कि मैं व्यापम व्हिसल ब्लोअर हूँ, मैं किसान गोलीकांड की लड़ाई भी लड़ रहा हूँ, ई टेंडर की लड़ाई भी लड़ रहा हूँ, तो जब मैं मेरे स्तर पर सोचता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ही सरकार उन प्रकरणों पर धीरे धीरे काम करके उनको खत्म करना चाहती है। लेकिन जब मैं कमलनाथ जी के स्थान पर खड़ा होकर सोचता हूं, क्योंकि हम एक बात को 2 तरीके से सोच सकते हैं, एक जहां मैं खड़ा हूं और जहां वो पात्र खड़ा है, साध्य मेरा, पर जब कमलनाथ जी किस तरह से सोचते हैं तो ऐसा लगता है वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी विषम परिस्थिति में जहाँ केंद्र की सरकार बदले की भावना से राज्य सरकारों को खत्म करना चाहती है, ऐसी स्थिति में जहाँ विधानसभा के अंदर ये कहते हैं कि नंबर 1 और 2 का इशारा होगा तो हम 1 मिनट के अंदर सरकार गिरा देंगे, ऐसी स्थिति में सरकार को चलाना, उस सरकार को बचाना और उस सरकार में काम करना कितनी बड़ी चुनौती है, कमलनाथ जी ही समझ सकते हैं, हम जैसे छोटे आदमी के बस की बात नहीं है। कांटों का ताज तो है, ये तो हमने मान लिया, लेकिन फिर पहन क्यों रखा है कांटों का ताज? चलिए पहन रखा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम कहेंगे हर आदमी एक मिशन के प्रति समर्पित होता है, उस मिशन में चाहे कांटों का ताज हो या गोलियों का ताज हो, और पहनना तो पड़ेगा ना। बड़े भैया मेरा ये कहना है कि आप कांटों का ताज पहने हो, किसी ने आपको जबरदस्ती थोड़ी पहना है, ये भी। और दूसरी बात, अभी जब आप कह रहे हो कि शेरा भैया की बात, तो मैं तो उनको 8 महीने से कह रहा हूँ कि ईश्वर करे आपको जल्दी मंत्रालय मिले, लेकिन जो आपके पुराने प्रदेश अध्यक्ष है, अभी झाबुआ से जीत के आए नेता है, और इसके बाद जो है और जो 23 लाइन में लगे हुए हैं उनका क्या करो? क्या यही तो मैं सवाल जवाब मैं आपको बता दूं, इसीलिए टालते जा रहे हैं, कोई जनवरी में नहीं हुआ और जनवरी में हुआ तो भी मैं बता दूं, चैलेंज कर रहा हूं मीडिया के मत, सरकार गिर जाएगी, ये भी सुन लो। आप सदन में जो है आप बहुमत नहीं दे पाओगे, इसलिए नहीं दे पाओगे कि आपके ही लोग आपसे किनारा हो जाए। पंकज जी अगर आज नहीं ओपन, निवेदन करना चाह रहा हूँ कि सरकार के पास 500 पद ऐसे हैं जो सरकार आराम से विधायकों को दे सकती है, उनके स्टेटस के हिसाब से, उनकी एनर्जी के हिसाब से, उनके कद के हिसाब से उन पदों पर बैठा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सरकार गिरने की बिल्कुल आप भूल जाएंगे, लाभ के पद का मामला तो नहीं आएगा फिर आड़े जी, लाभ के पद का मामला नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। जब लाभ, एक मिनट, जब लाभ ही नहीं मिलेगा तो उस पद का विधायक करेंगे क्या? नहीं नहीं, लाभ की जरूरत ही नहीं है, तो वर्क करने की डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। उदाहरण के तौर पर बताना चाहिए, स्वास्थ्य शासन मंत्रालय है, उसके अंदर हाउसिंग बोर्ड आता है, उसके अंदर शहरी विकास निगम आता है, तो ऐसे उसका वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन का टीम बनेगी, टीम बन के काम होएगा, तो लाभ का पद वाली तो बात ही नहीं है। जी 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 बिल्कुल। एक मिनट दीपेश जी, मैं एक चीज देखिए, ये जो अभी शेरा जी ने कहा कि 500 पद मैं आपको बता दूं ये 500 रेवड़ियां होंगी। और देखिए अगर ऐसा हुआ और 500 लोगों को पद बांटे गए तो फिर जनता का क्या होगा आप देख लेना, क्योंकि ये सरकार वैसी वो कह चुके हैं कि हमें तो कंगाली की स्थिति में मिला है और शिवराज जी कह रहे हैं कि हमने ऐसी स्थिति में नहीं किया था, ये आपने साल भर में कर दिया है। तो देखिए जनता तो इस लड़ाई में तो सिर्फ लड़ाई ही देख सकती है। वो तो मेरा कहना ये है कि ये मेहरबानी कर कमलनाथ जी को, आप पारस जी, आप तो पुराने, आप तो जमीनी नेता हैं, लड़ाई लड़ने वाले नेता हैं आप तो, हम मुझको मालूम नहीं आपने चुनाव लड़ा था हिम्मत भाई के खिलाफ, तो मुझको ऐसा लगता है कि अगर इस तरह से 500 पद बांट दिए गए तो भैया फिर तो जनता का वो जो फिर कहते हैं ना वो भारतीय जनता पार्टी 2003 में नारा लाए। दादा मैं बोलना चाह रहा हूँ ये सिर्फ पद सरकार में नहीं संगठन में भी है। आप सब बात क्या करें, आज कमलनाथ जी के हाथ में ऐसे 500 पद है जहाँ उनको पार्टी अध्यक्ष भी है और सरकार के लीडर भी है वो, लेकिन उनका सत्य पद है आज की तारीख में कि एक एक व्यक्ति को आराम से काम कर। बड़ी चतुराई से सरकार की बात डाल दी है। शेरा भैया एक सवाल और आपसे पूछने वाला हूँ, देखिए मानसून सत्र में तो कांग्रेस ने बड़ा सरप्राइज भी दिया था और झटका भी दिया था आखिरी वक्त आखिरी समय पर, कल है अंतिम दिन या 23 तक हम रुके, कोई सरप्राइज आ रहा है क्या कांग्रेस की तरफ से? अभी ऐसा इसका कोई संज्ञान में नहीं है बात, अभी तो सरकार, अभी तो बजट सेशन चालू है, अभी तो बजट इंटरिम बजट चालू है, इस बजट के बाद मुझे लगता है कि अगले बजट सेशन के पहले पहले आपको जरूर कुछ ना कुछ सरप्राइज मिलेगा। सरप्राइज मिलेगा पारस जी, क्योंकि दावे दोनों तरफ से हुए थे कि भाई देखिए 2-3 इधर होंगे 2-4 उधर होंगे, तो ऐसी कुछ चल रही है क्या कवायदें? नहीं देखिए अभी ऐसी कवायद की आवश्यकता नहीं है और कांग्रेस पार्टी इस तरह की कवायद में विश्वास भी नहीं रखती है। मैं आप भी समझते कि घोड़े का व्यापार करने का काम बीजेपी का रहा है। हाँ। और पिछले 5 साल का इतिहास बताता कि इन्होंने 30 प्रकरणों में इस तरह से राजनीति की हत्या करने का प्रयास किया, लोकतंत्र को खराब करने का प्रयास किया। हम इस तरह के हार्स ट्रेडिंग के अंदर विश्वास नहीं करते। और जहां तक हमारी बात है, चूंकि हम एक सुरक्षित स्थान पर खड़े हैं और भाजपा जिस तरह से अंतर्कलह में जूझ रही है, उमेश जी ने कहा कि भाई आपके तय नहीं हो रहे हैं सब, तो मैं उमेश जी से पूछता हूँ कि आपका प्रदेश अध्यक्ष कौन तय हो रहा है और खुले लड़ रहे हैं। विधानसभा के अंदर जब गोपाल भार्गव ने यूरिया पे प्रस्ताव रखा, उनको बोलने था, उनके सारे समय को शिवराज जी खा गए। क्यों शिवराज जी को बोलने का क्या हक था उनको? पर इस तरह से आपके यहाँ, आप उस वक्त गोपाल भार्गव का चेहरा देखने लायक था जब शिवराज जी उनके टाइम को चबा रहे थे। तो ये सारी बातें हैं। मैं उमेश जी से कहना चाहता हूँ कि आप बड़े विद्वान है, संत है आप, तो आप जरा इस बात का चिंतन करें कि जो अपेक्षा आप शुद्धता की करते हैं वह अपनी पार्टी में भी शुद्धता की तो बात है ना। इनका जवाब मत दीजिए आप तो मेरा सवाल, क्योंकि समय समाप्त हो चुका, माफ कीजिएगा पारस जी, लेकिन मैं इतना पूछ रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि जो मानसून सत्र में झटका लगा था फिर शीतकालीन सत्र में फिर झटका लग जाए। नहीं देखिए मैं उमेश जी से पूछ रहा हूँ। अब झटका लगने के तो विषय ही नहीं है, कारण क्या है कि अब आप ये देखो कि एक माह पूर्व देखो कि कांग्रेस के भीतर खाने में ज्योतिराज सिंधिया जी को बयान देना पड़ा, गोविंद सिंह जी स्वयं बयान दिए कि सरकार कुछ काम कर ही नहीं रही, कुछ दिख ही नहीं रहा, धरातल पर दिख ही नहीं रहा। अंदर खाने में आपको बता दूं जो कांग्रेस के विधायक है, जो 3-3, 4-4, 5-5 बार के जीते हुए विधायक, वो उनका घुट रहा है, दम घुट रहा है, वो खुल के आएंगे, आप सामने देखना खुल के बयान अभी 1-2 दिन में उनका चालू हो जाएगा। सभा समाप्त होने वाला है। शेरा भैया मैं उम्मीद करता हूं, मैं आपके ओर से आपकी कामना भी करता हूं, लेकिन अगर मगर हो गया कुछ कैबिनेट विस्तार में तो फिर शेरा भैया किस राह पर जाएंगे? फिर हाँ, साथ में रहेंगे, सरकार के साथ में हैं, थे और रहेंगे, भले मंत्री ना बने। मंत्री तो बनना ही है, आप विश्वास कर रहे हैं मंत्री बनना ही है। काम इतने सारे हैं, हाँ। जब तक इसको आप बांटेंगे नहीं, हाँ। तो काम हो नहीं पाएंगे, विश्वास करिए। जब तक आपके 121 विधायकों को काम मिलेगा, हाँ। और जवाबदारी मिलेगी, उनका मान सम्मान मिलेगा, ना कि सिर्फ निर्दलीय या बसपा या सपा, हाँ। मैं कह रहा हूँ हर विधायक को जवाबदारी दी जाएगी जिससे कि वो सरकार में अपना हाथ बटाए। तो जो मिनिस्टर इन वेटिंग मैं कहता हूँ, गलत नहीं कहता हूँ, लेकिन ये बस टैग ना लगा रहे, आप मिनिस्टर बने। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद शेरा भाई, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। पंकज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उमेश जी आपका शुक्रिया, पारस जी आपका शुक्रिया। तो देखिए चर्चा शुरू हुई थी जरूर जनप्रतिनिधियों से, लेकिन जाहिर सी बात है कि इस मौजूद वक्त में ये सवाल ज्वलंत हो जाते हैं कि अब कैबिनेट विस्तार कब, या फिर जो धमकियां या चेतावनियां दी गई थी दोनों तरफ से, चूंकि सत्र अब समाप्त हो सकता है किसी वक्त, तो आगे क्या होगा। आज मुद्दे की बात में इतना ही, आप देखते रहिए पत्रिका टीवी। नमस्कार।